आज धर्मशाला के सीआईआई एमसीएम ट्रस्ट मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जेसीबी कन्वेक्शन सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जेसीबी कंपनी के एडिशनल जनरल मैनेजर आशीष गुप्ता, इंस्टीट्यूट के एचओडी एनएचएआई के हेड विकास सुरजेवाला और ट्रस्टी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल मनु शर्मा द्वारा की गई, जिसमें यहां पहुंचे सभी अतिथियों को शॉल टॉपी भेंट की गई। साथ में इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम को प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि द्वारा सेकेंड और थर्ड टर्म के विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि जेसीबी कंपनी के एसडीएम आशीष गुप्ता ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि इस इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ जो छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं वो या अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल वीक है उनके लिए हमारी तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रदान की जा रही है, या तो जिनके पास जेसीबी मशीन है वहां पर वे कार्य कर रहे हैं। प्रिंसिपल मनु शर्मा ने बताया कि हमारे यहां पर वो भी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं जो फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग नहीं थे। उन्होंने बताया समाज में रोजगार की नहीं बल्कि स्किल की कमी है, कारण बेरोजगारी है और अवेयरनेस न होने के कारण युवा उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आज जो है सीआईएम एमसीएम ट्रस्ट जो है मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनके द्वारा कन्वोकेशन सेरेमनी जो है मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे आप बना रहे हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट दिए, क्या कहना चाहिए? पहली बात मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। काफ़ी ओवरऑल बहुत अच्छी तरह मैनेज किया गया, बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया गया फंक्शन। यहाँ पे जो हमने ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया है तो एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि है ना और ज़्यादा एक्सपांड करें इसको, तो मैनेजमेंट से बात करूँगा किस तरह से इसको और बढ़ा कर सकते हैं और जो बच्चे यहाँ सीख रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो लोग मशीन सीख के या फिर वो एक ऑपरेटर की तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और प्रोजेक्ट में ये मशीन की चलाने के लिए ऑपरेटर्स भी चाहिए होते हैं, तो अगर वो चलाएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, प्लस फ्यूचर में वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं खुद की मशीन लेके। सो ओवरऑल ये प्रोग्राम का इंडिया भर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमारे ये 20th-20th सेंटर था तो हमने देखा हुआ है कि काफ़ी लोग कितना फ़ायदा उठा रहे इस ट्रेनिंग से। देखिए साल में अगर ये इंडस्ट्री देखेंगे 60,000 मशीन बिकती हैं, 60,000 मशीन हर साल बिक रही है, मतलब ऑपरेटर्स भी उतने चाहिए, तो जितना ज़्यादा ऑपरेटर मिलेंगे उतना ज़्यादा मशीन चलाने भी और उसको मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये एक अच्छा प्रोग्राम रहा ऑल टुगेदर। बिल्कुल आशीष जी, आपने अभी यहाँ पे जब आपका एक ऑनर स्पीच भी चल रहा था और आप एक संदेश भी दे रहे थे तो आपने ये भी कहा कि एंटरप्रीनियरशिप जो है उसको बढ़ावा देने की भी आपने बात कही, पर एक चीज़ और है कि जिन लोगों में क्षमता नहीं है, जो बच्चे यहाँ से सीख के जा रहे हैं जैसे भी चलाना, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी जो है आपकी कंपनी की तरफ से उनको मिलेगी, या वो जिन पे क्षमता नहीं है जेसीबी खरीदने की बच्चों के पास, वो कल को उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी? देखिए यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अगर फाइनेंशियल इशू है तो, बट यहाँ पे एक दो साल काम करके एक्सपीरियंस लेके हमारी तरफ से हमारी डीलरशिप की तरफ से ही फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस में एटलीस्ट वो मशीन खरीद पाते हैं। अगर वो नई नई खरीद पाएंगे तो एटलीस्ट सेकेंड हैंड तो खरीद के चला सकते हैं, सेकेंड हैंड तो एक बंदा खरीद सकता है, उस पर भी लोन मिलता है। तो तरीके बहुत है लेने के, उनके ऊपर अगर उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनना है तो वो किस तरह से इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर है और ओवरऑल अगर हम हिमाचल की बात करें तो कहीं और भी आप ये जो है ऐसा कोई अवेयरनेस का जो प्रोग्राम्स है आप? देखिए हमारे यहाँ पर डीलरशिप है ऑलरेडी, तो डीलरशिप में और बहुत सारे प्रोग्राम्स या फिर इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम ऑपरेटर मीट करते हैं, कस्टमर मीट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ये अवेयरनेस फैला ही रहे हैं कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और सीखने के बाद वो एक ऑपरेटर के तौर पे चलाएं या एंटरप्रेन्योर बन जाएं, तो ये प्रोग्राम चल रहे हैं। प्लस हमारे डीलरशिप लेवल पर भी हमारा इनका बोर्ड भी लगेगा यहाँ वहाँ पर, जैसे लोग जो भी आए कस्टमर आ रहे हैं वो जाने इसके बारे में, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और यहाँ पे सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद जनपद टीवी का समय देने। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मेरे साथ मैम भी हैं, संस्थापक भी हैं। मैम
काफ़ी चर्चा मैंने इस प्रोग्राम में आपके बारे में सुनी और काफ़ी सराहना भी की गई है। तो एक बड़ा अहम रोल रहता है बच्चों को, जब बच्चे एक मुकाम पे पहुंचते हैं, आज उनको सर्टिफिकेशन दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? इससे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है। बच्चे जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत गरीब घरों से बच्चे आ रहे हैं, और जब वो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं 300 घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद, वो थोड़ा बहुत ही अपने लिए अगर कुछ कमा पा रहे हैं, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है। सो जब वो आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि बस कोर्स करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में कुछ इनकम जनरेट हो जाए। सो वही आइडिया है और वही आगे लेके जा रहे हैं हम ट्रस्ट के साथ और JCB के साथ। आज कितने बच्चों को जो है सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वो दिए गए हैं अलग अलग? सो आज हमारी जो मेन कॉन्वोकेशन थी वो थी JCB ऑपरेटर ट्रेनिंग की, बैकहो लोडर की, जिसमें हमारे दो बैचेस जो है सेकंड एंड थर्ड उसके स्टूडेंट्स की कॉन्वोकेशन थी। तो हम लोगों ने एक रखा है कि वी ओनली एनरोल 10 स्टूडेंट्स पर बैच। रीज़न, वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वान्टिटी। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनका ट्रेनिंग टाइम उतना ही कम मिलेगा। सो कम बच्चे बट अच्छे बच्चे हम लोग ट्रेन करके निकालते हैं। सो अभी हमारे फोर्थ बैच की एडमिशन स्टार्ट है, जो हम 1st of October से स्टार्ट कर रहे हैं बैच। सर अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो मेरे पास अभी हम लोग मल्टीपल स्किल ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो JCB, जैसे हम लोग JCB के हिमाचल में ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर हम लोग ही हैं, इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट मंथ EV का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अभी केबलिंग का चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन का चल रहा है जो हम श्नाइडर के साथ कर रहे हैं। स्टिचिंग में हमारे साथ सिंगर पार्टनर है। IT में NIT फाउंडेशन हमारा पार्टनर है। तो इस तरह से हम मल्टीपल कोर्सेज कर रहे हैं और हमारी एडमिशन्स ओपन है। सो बच्चे कभी भी आके यहाँ पे किसी भी कोर्स में वो ले सकते हैं विद वेरी नॉमिनल फ़ी। जो मोस्टली तो हम लोग ट्राई करते हैं कि बहुत बेयर मिनिमम चार्ज करें, जितना, बिकॉज वी बिलीव दैट मनी ब्रिंग्स पेन। तो वो थोड़ा सा अमाउंट जो है वो बच्चों में वो सीरियसनेस लेकर आता है। सो बस उसी आइडिया से चल रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर आए वो पैसे के सुन के, अमाउंट सुन के वापस ना जाए। सो उनको ये ना लगे कि हम यहाँ नहीं पढ़ सकते। सो वी वेलकम ऑल। सर एक ही संदेश है कि सब बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सो मैं मानती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, स्किल्ड लेबर की कमी है। सो आई अर्ज ऑल कि यहाँ पर आकर एक बार वो इंडस्ट्री सर्टिफिकेट लें और एक बार स्किल्ड हो जाएं, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके और अपने लिए इनकम जनरेट कर सकें।